दोस्तों अभी हम आए हैं पेट्रोजॉयस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में। यहाँ पर स्टूडेंट को स्टूडेंट्स के क्लासेस लगते हैं, यहाँ पर उनको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्किल सिखाई जाती है, उनकी एग्जाम्स होती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, इमरजेंसी में किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा डिपार्टमेंट इस सेंटर के अंदर है। और बिल्कुल सिटी सेंटर, मतलब सिटी के बीच में है, नजदीक में रेलवे स्टेशन है, तो बच्चे यहाँ पर आके अपनी MBBS की क्लासेस है वो अटेंड करते हैं। हम लोग अंदर कैंपस में जाते हैं और हर एक यूनिट को अच्छे से विजिट करेंगे और आप तक मैसेज पहुंचाएंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेलिंग स्टूडेंट्स को यहाँ यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जाती है। तो अंदर चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी फेमस है अपनी एनाटॉमी कोचिंग के लिए और ह्यूमन डेड बॉडी भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल विजिट भी मिलती है, अवेलेबल है, पेशेंट ट्रीटमेंट भी इनको एक टाइम के बाद अवेलेबल होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे सारे ऑफलाइन क्लासेस लगते हैं बच्चों के। ये कैंटीन है जहाँ पर स्टूडेंट बैठ के खाना खा सकते हैं। इमिग्रेशन सेंटर। यस, दिस इज वेयर स्टूडेंट्स एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स। यस, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। यस, हाउ हियर दे स्टडीज। यस, दे स्टडी, दे हैव प्रैक्टिकल क्लासेस हियर। ओके, सो यू सी सम इक्विपमेंट्स, राइट? Propedeutics are aimed at different skills. For example, this is communicating skills. Communication. Yes. So, our students pass exams here, the final exams, here in this room. Okay. This is one. One of 12. So, usually students have a task, and here they decide how to act, okay, what to do. And from there, from the window, professor observe, watch, yes. What they do, how they do, and they assess their skills. That is good. Here. Okay, emergency department. Yes, emergency department. Goes to every station, so every kind of skills measure. Yes. No one is left behind. Yes, 12 type of skills. And different department. Yes. And every department has their own specialty. Like this is the emergency department. So student has to work like provide first aid. Yeah. Yes. Okay. Mm-hmm. Yes, that is good. Emergency. The tasks are different. Okay. Okay. And also there is kind of a window. Yeah. Okay. Professors here. Students. स्टूडेंट को टास्क दिए जाते हैं और टास्क के हिसाब से यहाँ पर वो स्किल्स क्लियर करते हैं और आउट ऑफ विंडो के बाहर इनके प्रोफेसर खड़े रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनको दिए गए टास्क के हिसाब से फिर उनको मार्क्स प्रोवाइड होता है। ऐसे टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं। सो रशियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स बोथ द गेट इक्वल स्टडी मेथोडोलॉजी और दे हैव अ डिफरेंट No, equality. Yes. So that is good. And after getting that degree, if they want to practice in Russia. So what are the possibilities? So first they need this accreditation, so where their skills are measured. Okay. And after that they can apply for residency. Okay. 2 years. And then choose their specialty. Okay. Or what doctor they would like to become. Okay. Same procedure for Russian students? Of course. Yes. So both are Indian and if international and Russian, both are equal. Ultrasound department. जो मैंने आपको पहले बताया कि 12 स्किल में से ये एक स्किल है और हर स्किल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनकी एग्जाम होती है और हर एक स्टूडेंट को अपने दिए गए टास्क को यहाँ पे अचीव करना रहता है और हर
रूम में एक विंडो रहता है जिसमें प्रोफेसर को वो देख नहीं पाते, प्रोफेसर उनको देखते हैं और स्किल मेजर करते हैं। पीडियाट्रिशियन, यस, पीडियाट्रिक मेडिकल का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट भी बच्चों को यहाँ पे सीखने मिलता है और उसकी भी एक टेस्ट होती है, तो हाउ टू ट्रीट अ चिल्ड्रन और उनको कैसे उनकी इलाज कैसे करते हैं, और सेम उनकी एग्जाम्स दी जाती है और ये उसी पैटर्न से ऑब्जर्व होता है जैसे आगे सारे डिपार्टमेंट आपको शेयर किए गए। दिस इज फोर्थ पीडियाट्रिक, इन्फेंट्स, यह दैट लर्न हाउ टू ट्रीट इन्फेंट्स एंड या किड्स ऑफ डिफरेंट एज। ओके, ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट of neurologist. So, emergency. बच्चे रूम से यहाँ नहीं देख पाते, ओनली प्रोफेसर यहाँ पे से उस रूम में देख पाते हैं। यस, कैमरा इन दिस रूम, यस, यस, दो कैमरे लगे हुए होते अंदर और उस कैमरे की वजह से स्क्रीन पे ये चेक करते हैं और इनको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये सारे बच्चे अपने टास्क के हिसाब से जो भी दिए गए सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से अटेंड करते हैं और उनके प्रोफेसर यहाँ बैठ के सारी चीज़ें लाइव ऑब्जर्व करते हैं। And marks, how we should assess the criteria for that, so students understand why they get this or that mark, or what exactly, what kind of algorithm they must have followed, and so on. So they don't cheat. Everything is clear, transparent. Exam का एक module रहता है, module के हिसाब से हर questions और उसके answers, उसके parameters सब कुछ pre-decided होता है। उस हिसाब से, उस क्राइटेरिया से ही बच्चे को एग्जाम देनी पड़ती है और उस हिसाब से ही सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें मार्क्स उसके चेक होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी इतना इम्पोर्टेंट है फॉर फिजिकल हेल्थ के लिए, एंड यहाँ पर पेट्रोज़ोवास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी अच्छे से मेंटेन होता है। एक थोड़ा विजिट करके आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर जिम है, अगर स्टूडेंट चाहे तो जिम में भी आ सकता है और अपने आप को हेल्थ और फिट रख सकता है। यूनिवर्सिटी का ये एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोच की जाती है। यहाँ इंटरनली यूनिवर्सिटी के बीच में हर डिपार्टमेंट के बीच में एक कॉम्पिटिशन भी इन लोगों का होता है और उसमें फिर उन लोगों को इनक्रेज किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी भी पेट्रोज़ोवास्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। अगर स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी एक्टिव होता है तो उसका कंसंट्रेशन और उसकी आईक्यू भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं पूरा इतना बड़ा एरिया है। हर कैंपस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी विजिट करते हैं। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी, ये स्टडी एरिया है, तो यहाँ पर बच्चे बुक लेके पढ़ सकते हैं, अपनी कोई भी एग्जाम्स प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी बुक या लैपटॉप से वो स्टडी कर सकते हैं। Okay, it's for free. Yes. Everyone has access to that. Okay, that is free. Yes. स्टूडेंट यहाँ पर जो भी बुक्स है वो या तो फिजिकल यहाँ से ले सकता है या तो ई लाइब्रेरी से। इनकी एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू उस सब्जेक्ट को वो डाउनलोड कर सकता है, वो बुक को वो डाउनलोड कर सकता है और ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। तो ये दोनों बेनिफिट बच्चे को यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पर बुक्स आप देखें सेल्फ में रखी हुई है, यहाँ भी इतनी सारी बुक है, जो बच्चा जो बुक उसके रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से बोरो कर सकता है
यहाँ से ले सकता है और यहाँ पे रीड करके वो वापस उसको रखना होता है। स्टूडेंट के पास लैपटॉप ना हो, पीसी ना हो, तो ये यहाँ पर बैठ के ई लाइब्रेरी से बुक डाउनलोड कर सकता है, यहाँ पढ़ सकता है। इतना बड़ा लाइब्रेरी मैंने पहली बार पेट्रोजोडस को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखा, कि जिसकी वजह से बच्चे को एजुकेशन में जो भी बुक्स चाहिए, जो भी उनको स्टडी करना है, जो सारा कंटेंट है, वो सब कुछ उनको लाइब्रेरी से मिल जाता है। अच्छा खासा प्लेस है, यहाँ बैठ के वो पढ़ सकते हैं। यस, स्टिमुलेशन सेंटर। डर्मेटोलॉजी के क्लासेस यहाँ पे होते हैं और आप देख सकते हैं पीछे पूरे उनके डमी और सब कुछ जो उनको गाइड करती है स्टडी के लिए। ओके, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट सीखनी पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको सिखाई जाती है। This is the basics of care, of medical care. This is we learn how to change belt lining, how to take care of seriously ill patients, and also nursing department. Okay, nursing and department. Computer class. And computer class. If there are no places, they can have additional places. And other disciplines. Like hand gloves, कैसे remove करना है, hand wash करना है, जो भी चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं उनको कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, ये सारी डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें और नर्सिंग चीज़ें, कंप्यूटर क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की जाती हैं। ओके, Here we create conditions that are close to real. Okay. For the exam. Okay. Multifunctional class है यहाँ पर, यहाँ हर छोटी छोटी स्किल को यहाँ पर सिखाया जाता है और कभी ये क्लास को प्रैक्टिकल के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। ये ENT डिपार्टमेंट जिसमें जिसके रिलेटेड सारी स्किल स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट MBBS का है गायनेकोलॉजी, और जिसमें रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस बच्चे को यहाँ सिखाई जाती है और उनको प्रैक्टिकल भी यहाँ से सिखाया जाता है। यस, सारे फंक्शनल रोबोट उन्होंने बनाए हुए और जिसमें वो प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए करते हैं। यस एंड चिल्ड्रन इन्फेंट आल्सो, वुमन का और इन्फेंट मतलब बच्चों का इन्होंने रोबोट बनाया हुआ है, और ये नॉर्मल कंडीशंस में और क्रिटिकल कंडीशंस में रिएक्शन देते हैं, मतलब किस तरह से उन्हें ऑपरेट करना है, किस तरह से उनको सर्जरी या कुछ भी चीज़ इनके ऑपरेशन करना है तो किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, उसके लिए इन्होंने रोबोट अच्छे से बनाए हुए हैं। रियल सिचुएशन को समझने के लिए ये सारी क्रिएशंस इन यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है, दैट इज व्हाई द यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर मेडिकल स्टडी। बोथ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, जूनियर मेडिकल पर्सनल,
senior medical personnel all together. Okay. Because doctors need assistance. डॉक्टर और उनके असिस्टेंट दोनों की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है. For example, given a childbirth, so a lot of people participate. Yes, yes, like, yes. Like a doctor and anesthesiologist, and they both are practicing here, standing here. Really, anatomy के classes यहाँ पे लिए जाते हैं. Rheumatologist, you know, people for responsible for X-rays. X-rays, yes. Yes. एक्सरे है फिर एनाटॉमी 3D जो क्लासेस है वो यहाँ पर ली जाती है. अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस ये सारी कंडीशंस में कैसे ट्रीट करते हैं कैसे इनको गाइड करने ये सारे क्लासेस 3D टेक्नोलॉजी से यहाँ इनको पढ़ाए जाते हैं. मॉडल डेवलपमेंट एंड मशीनरीज यूनिवर्सिटी क्लिनिक ओके ओके हाउ हाउ इट इज इन द रियल लाइफ ओके ओके क्लोज टू रियल सो यू ऑलरेडी इंक्लूडेड का बुक 3D ग्लास यूज करके स्क्रीन पे उनको रियल कंडीशन मैंने रियल कंडीशंस एक क्रिएट करके इनको सिखाया जाता है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस कर सकते हैं उस डिसीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वी आर वर्किंग विद पेशेंट इन रियल टाइम राइट हियर राइट नाउ. И тут обучают как расспрашивать больного, жалобы собирать. So this is the room where students learn how to communicate with patients, how to respond to complaints. Okay. Yes. Затем осмотр. Then the physical examination. Yes. Patients को treatment कैसे करते हैं कैसे behave करते हैं ये सारी चीजें इनको training यहाँ पे दी जाती है. This is the preparation for the real practice. Training. Yes. Training at home. So last 6 years, last years, 12 months, they have an internship in these hospitals, and in this 12 months, they do all the procedures what they learn over here. Medals, diplomas. यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनके प्रोफेसर ने जो भी अचीव जो भी सर्टिफिकेट जो भी मेडल अचीव किए है ये सारे इन्होंने यहाँ डिस्प्ले में रखे हैं. तो यूनिवर्सिटी इंटरनली भी पार्टिसिपेट्स करती है मेडिकल जो भी डिपार्टमेंट है जो भी अचीव करता है वो यहाँ पर उनके मॉडल और सब कुछ रखे जाते हैं. So we usually hold online conferences with different universities. Okay, yes, here. yes. ये university का department है और different conference के लिए ये लोग ये department use करते हैं conference hall है यहाँ से and to connect the people from other universities another conference they can use this department. Mm-hmm. We discuss directly then we use. Yes. Patient तक पहुँचना आपके लिए possible नहीं है तो आप यहाँ से भी उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो दैट इज द गुड थिंग विच यू प्रोवाइड. डॉक्टर को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है और उनके लिए भी कुछ लेक्चर्स है या कुछ भी अपडेटेशन है ये सारी चीज़ें ये यहाँ से ऑपरेट होती हैं. आप हमें हमारी YouTube पे कमेंट कर सकते हैं आप हमें Facebook Instagram पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे भी आपको सारा कंटेंट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मिल जाएगा. धन्यवाद.